चलिए दोस्तों, देखते हैं बिना प्लावर का मदद से कैसे और बेसिन आप फिट कर सकते हैं। और बेसिन का साइज 21 मेस होगा। फिर और बेसिन के लिए चाहिए तो हॉल वेस्ट पाइप, फिर वेस्ट कपिंग, क्योंकि वेस्ट कपिंग है, वेस्ट कपिंग हम इसीलिए लगाते हैं वो पानी लीकेज नहीं करने के लिए, वेस्ट कपिंग। फिर पिलर कप, पिलर फिर एक एंगल कप चाहिए, एंगल कप इसी तरह वो लगेगा ब्रास एल्बो का अंदर, वो लगेगा कनेक्शन पाइप, कनेक्शन पाइप बोल रहा था वही है कनेक्शन पाइप। 18 इंच का 30 इंच तक ले सकते हैं आप, इधर चाहिए जितना इंच चाहिए आप उतना इंच बोल, वो एंकर बोल्ट और ग्रिप और स्क्रू और नॉट सब ग्रिप एंकर बोल्ट में आता है। वो है हमारा हब बेसिन, बेसिन का साइज है 21 में और है 16। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा प्लंबिंग वर्क। हमारा पहले का फंक्शन खत्म हो चुका है, वो है हमारा पानी का इनलेट, ब्रास एल्बो ऑलरेडी लग चुका है, वो पानी का आउटलेट है। अभी हमारे एंगल कप चलो फिटिंग करते हैं, अभी वो है हमारे एंगल कप आ चुका है और हाथ में वो है टेपन टेप, उसको देने से दोस्तों अच्छा फिक्स होता है और लीकेज वगैरह का चांसेस नहीं था। चलो उसको लगाते हैं अभी टेपन टेप, लग अच्छे से लगाना है, ध्यान देना है, कभी अड़ा दड़ा अड़ा नहीं आई हमने का, अच्छे से पूरा लगाना है। फिर वो लग चुका है, चलिए उसको लगाते हैं। पहले ध्यान रखे है जो थ्रेड है ब्रास एल्बो का कहाँ टूट ना जाए, टूट जाने से फिर तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। चलो ब्रास ले लेंगे उसको, उसको सीधा लगाना है। एंगल को अभी लग चुका है, चलो एंगल लग लेंगे। ट्रिप हमारा हाउ बेसिन का जो होल देखा है, होल को सेंटर करना है हमारा, कितने इंच में आता है, 9.5 इंच आता है सेंटर हमारा। सेंटर तो पता चल चुका है, अभी हमारा जो फ्लोर है, फ्लोर से भी हमको सेंटर लेना है, 30 से 32 इंच तक रख सकते हैं। पहले हम पूरा सेंटर कर देते हैं 30 इंच तक, यहाँ 30 इंच तक, 30 इंच में मार्किंग कर दिया हूँ। फिर यहाँ से हम 8.5 इंच छोड़ देंगे, 8 इंच छोड़ के मार्किंग कर दिया, और 8 इंच से 9.5 इंच में मार्किंग कर दिया। पहले हमारा यहाँ अभी ड्रिल लगेगा, उसको ड्रिल से होल कर देंगे, और ड्रिल लग चुका है, ड्रिल लगा के होल करना है। हेलो, अभी हम लगा चुका है, उनका जो एंकर बोल्ट है ना वो अच्छे से टाइट लेगा, तो चलिए उसको टाइट करेंगे अभी नॉट से टाइट कर दी। एंकर बोल्ट लगाना टाइम है, उसको ध्यान देना है, जो एंकर बोल्ट है हमारे कोई टेढ़ा नहीं होने का, इसको नट से हम टाइट कर देंगे, टाइट हो चुका है। फिर उसको ध्यान से हम दोनों नट यहाँ इसीलिए लगाए, जो एंकर बोल्ट है उसको वाल से पुश करने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। दोस्त एक बार ध्यान देना है, वो जो दिख रहा है वो वॉल से इतना तक 1/2 इंच जाएगा वॉल का अंदर और 1/2 इंच वॉल का बाहर रहेगा, इसलिए वो जो हमारा बेसिन है, बेसिन का जो होल आता है ना वो टाइट अच्छा से पकड़ेगा, इसलिए हम इसको आधा अंदर करेंगे और आधा बाहर रखेंगे। हमारा एक नट
खत्म हो गए। अभी उसको बाहर टाइट हो गया, अभी खुल चुका है नट, हाथ से वो खुल जाएगा। अभी हम बेसिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखते जो नीचे होल है वो होल का अंदर एक ग्रीप आता है, वो ग्रीप को इसी तरह फिटिंग करना है। वो जो ग्रिप का बाहर वाला थ्रेड है वो वॉल का अंदर जाने के लिए, इसीलिए उसको ध्यान से उसको उठा के नीचे वाला है पर और इस इसको दोनों वॉशर पे आता है, वॉशर को इसी तरह देने का। जिपोने ऊपर पड़े थे ना, और नॉट भी है, नॉट को भी अच्छी तरह लगाने के लिए। ओ काटे देखो, पाना है 14 और 15 का पाना में वो जो नॉट लग चुका है हमारा, वो इसको अच्छे से टाइट करना है क्योंकि जैसे गिरेगा नहीं। अच्छे से उसको पैक कर देंगे व्हाइट सीमेंट से, लास्ट में वहाँ व्हाइट सीमेंट इसीलिए हम लोग लगाते हैं, वो जो होल है देखने के लिए अच्छा लगेगा और पानी का जो वाल है सीवेज में नहीं करेगा, वो अच्छा रहेगा, इसलिए हम लोग व्हाइट सीमेंट लगाते हैं। व्हाइट सीमेंट नहीं तो हम सिलिकॉन भी लगा सकते हैं। अब हम अभी पिलर को टाइट करेंगे, पिलर से मैं खोल चुका हूँ, जो अंदर है जो नॉट है वो नॉट दिखने के लिए दोनों तरफ लगती है, लेकिन वो जो इस तरफ होल का अंदर जाएगा और इस तरफ बाहर रहेगा, क्योंकि वो जो पाना आते हैं पाना में टाइट करने के लिए अच्छा होता है। कौन सा वाला तू? ये वाला इतना छोटा होल है, इसलिए हम लोग कौन सा भी पाना नहीं लगा सकते, इसलिए वो सिर्फ बॉक्स सेंच ही लगते हैं, उसको बोलते हैं बॉक्स सेंच। तो चलिए बॉक्स सेंच को ट्राई करेंगे। टाइट हो गया हमारा फिलर कट, अच्छी तरह टाइट हो गए। अभी कनेक्शन पाइप लगा रहे होंगे, वो हमारा कनेक्शन पाइप आ चुका है, 18 इंच का कनेक्शन पाइप है। हमारा जो कनेक्शन पाइप है 18 इंच से तक 32 इंच तक आ सकता है, हम लोग इधर 18 इंच इसीलिए लगेंगे, वो जो डिस्टेंस है 18 इंच जब वो अच्छा लगेगा, 32 इंच लगा है वो ज़्यादा नीचे आता है और देखने के लिए जो फ्लोर है डाइनिंग को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम 18 इंच को उसको लग सकते हैं। और जो वो भी है उसको वेस्ट पाइप कनेक्शन पाइप में वो दे दिया है, उसका रेंचिंग हम लोग को टाइट करने से अच्छा होगा, तो ध्यान देना है अच्छे से टाइट करने के, नहीं तो लीकेज होगा। टाइट हो चुका है, फिर अभी एंगल कट में हम टाइट करेंगे। उसको भी ध्यान देना है अच्छे से टाइट करने के लिए, नहीं तो पानी लीकेज करेगा। हमारा 18 इंच कनेक्शन पर लग चुका है। ये हम बेसिन का वॉश कवरिंग टाइट करेंगे, वो जो वाशर है उसको वाशर नीचे करना पड़ता है, नहीं तो लीकेज करेगा पानी, इसलिए वाशर को नीचे से पकड़ के रखो, फिर जो नॉट है उसको इसी तरह है अंदर देने के, वो जो है वो मंसी प्लास पाना से उसको टाइट करने के लिए, इसलिए भी उसको ध्यान से ऊपर उठा के रखें।
करेंगे उसका मल्टीपास से ध्यान से टाइट करने के लिए नहीं तो यूज करेगा। मैं का वेस्ट पाइप लगाने वाला हूँ। उसे ध्यान से टाइट करते निकले हैं उसके लाइट चुका है। अभी जो हमारा पानी का आउटलेट था, मैं पहले वीडियो का पहले से बोला था वो जो पानी का आउटलेट, उसमें उसको पानी कर देने के लिए उसका अंदर पुश करना दे चुके हैं। उसको जो है अंदर उसको माप कर देंगे पहले कटिंग हो चुका है। फिर बोले उसका अंदर उस कर। तो दोस्तों आज हमारा जो हॉल बेसिन था फाइनली मैं हॉल बेसिन कंप्लीट कर चुका हूँ और हॉल बेसिन अच्छा तरह फिटिंग हो गया। कंस्ट्रक्शन का एनी वीडियो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पीएचडी का पता चलने के लिए उसका हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जाके दबा दीजिए और काफ़ी सारा लोगों को शेयर करिए क्योंकि हमको शेयर करने से अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों कुछ उससे सीखा।